हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोनी अभ्यास क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक करंट अफेयर का नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे समारोह और सम्मेलन। अगर आप हमारी इस यूट्यूब में नए हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, जिसमें जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हम उसी पैटर्न से सारे टॉपिक वाइज पूरे बनाते हैं, जिससे आपको कोई भी एक भी परेशानी ना हो। चलिए आज हमारा करंट अफेयर का क्लास चालू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे समारोह और सम्मेलन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसमें रहेगा, फर्स्ट पॉइंट है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, ये सारे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए, जो पांचवा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन था, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो राजगीर, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। इसका आयोजन राजगीर के द्वारा दूसरी बार, मतलब इससे पहले हो चुका है, तो जो राजगीर क्षेत्र है बिहार का, उसके द्वारा दूसरी बार नालंदा विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। दुनिया में बढ़ती, इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? दुनिया में बढ़ती वैश्विक जो तापमान है और बढ़ती आतंकी हिंसा के बारे में को पूरा संबोधित करने हेतु इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, 32वां अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस। 32वां अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस, जो चेक गणराज्य के राजधानी जो है प्राग, चेक गणराज्य आप सभी जानते होंगे, उसकी जो राजधानी है प्राग, वहाँ किया जा रहा है। इससे मतलब 31 बार ये हो चुका है, ये 32वें नंबर का है जो मनोविज्ञान कांग्रेस कहलाता है। 32वां अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस प्राग गणराज्य, चेक गणराज्य में हो रहा है। चलिए हम अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सार्क सम्मेलन। ये बहुत फेमस है दोस्तों, इससे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलता है। ये है केरल के कोच्ची में हो रहा है, केरल राज्य आप जानते हैं, उसके कोच्ची में हो रहा है। इसका आयोजन है क्या? समुद्री जो मत्स्यकी रहते हैं उसके अनुसंधान संस्थान CMFRI और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया जा रहा है। इसका मेन जो उद्देश्य है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? विश्व भर के अनुसंधान कर्मी शामिल होकर इस क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। मतलब जो समुद्र से मछली उत्पादन है, उन सब अनुसंधान, उसका कार्य प्रारंभ होगा। अब हम अगला देखते हैं, डेक एक्सपो इंडिया 2020, ये जो प्रस्तावित है, डेक एक्सपो इंडिया 2020 प्रस्तावित है, जो लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य विशेष क्या है? भारत उभरता रक्षा विनिर्माण केंद्र, अर्थात रक्षा का जो डिजिटल है, रक्षा जो जानते हैं आप सुरक्षा, तो रक्षा को डिजिटल रूपांतरण हेतु जो रक्षा है उसको डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, इसके आधार पर ये होगा। अब अगला देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, 13वां वैश्विक स्वास्थ्य सेवा शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है, जो 13वां वैश्विक स्वास्थ्य सेवा शिविर है, इसका आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। इसका मेन जो उद्घाटन था, इसका जो हमारी उपराष्ट्रपति, थी वेंकैया नायडू, आप सभी सुने होंगे इनके बारे में, वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। इसका मेन जो उद्देश्य वो क्या है? चिकित्सा जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने हेतु और चिकित्सा क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी मशीनों के द्वारा जो होती है आप सभी जानते हैं, तो उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसको प्रारंभ किया जा रहा है कि नई नई तरीकों से इलाज किया जाए। अब हम अगला देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 5वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो, जिसका आयोजन नई दिल्ली, हमारे भारत की राजधानी है, यहाँ किया गया। इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, नेक्स्ट जन एग्जीबिशन के द्वारा, इसमें कौन कौन से देश, कौन कौन सी कंपनियां शामिल हुई थी, तो ये बता देता हूँ मैं। इसमें सिंगापुर, इजराइल, दक्षिण कोरिया, ताइवान, यूके, चीन, यूएसए,
जर्मनी हो गया, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे 10 बड़े बड़े देश के 100 से अधिक कंपनियों ने कि उनके भी और शाखा जो होती हैं, 10 बड़े बड़े देश के 100 कंपनियों से भी अधिक कंपनियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अगला है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट है फर्स्ट मीडिया स्वतंत्रता वैश्विक शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन लंदन में किया गया। इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा हुआ, तो क्रिस्टीना फ्रीडेंड, जो कनाडा की है, कहाँ की हैं, कनाडा की हैं। और इसके साथ ही जेरेमी हंट जो कि ब्रिटेन के हैं, इन दोनों के द्वारा किया गया। और इसमें भारतीय मूल जो थे, भारतीय वो भी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है हमारा 14वां G20 शिखर सम्मेलन, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में रेलवे वेलवे जितने CGVAPOM CGPSC जितने सारे एग्ज़ाम है उसमें तो पूछा ही जाता है। याद रखिएगा 14वां शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जापान के ओसाका में हुआ। तो इसका जो अध्यक्षता था वो किसके द्वारा हुआ, तो जापान के PM के द्वारा। तो जापान के PM है कौन, तो याद रखिएगा शिंजो अबे इन्होंने किया इसकी अध्यक्षता। और इसमें जो विदेश मंत्री भी शामिल हुए थे, विदेश मंत्री कौन, एस जयशंकर प्रसाद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो काफ़ी फेमस है अजीत डोभाल। याद रखेंगे इनका नाम, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि 14वां शिखर सम्मेलन G20 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ओसाका जापान में हुआ। जापान के किसके द्वारा अध्यक्षता की गई, तो याद रखिएगा जापान के PM ठीक है शिंजो अबे के द्वारा किया गया। विदेश मंत्री कौन थे उसमें शामिल होने वाले, तो एस जयशंकर प्रसाद। और सुरक्षा जो सलाहकार थे राष्ट्रीय वो कौन, अजीत डोभाल। इतना याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें 9वां सार्क फिल्म महोत्सव, जो 9वां इससे 8 बार पहले हो चुका है, ये 9वां नंबर का था। इसमें क्या है, फिल्म महोत्सव मतलब फिल्म से जुड़े हुए जितने सारे लोग रहते हैं वो एक महोत्सव मनाते हैं। और इनका आयोजन कहाँ हुआ, तो कोलंबो जो कि श्रीलंका में आता है ठीक है, कोलंबो श्रीलंका याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन कोचीन केरल में हुआ था ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो महिला होते हैं उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु, महिलाओं के उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु। और इसके साथ साथ इसमें एक थीम था, वो थीम क्या है ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा एक समावेशी उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, एक समावेशी उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का विकास। चलिए हम अगला नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला 2019, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले बार हुआ है, फर्स्ट टाइम है फर्स्ट भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला। व्यापार मेला आप सभी जानते हैं, मेला व्यापार मेला जिसमें बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जिनका आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली, भारत की राजधानी है ये याद रखिएगा, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ और फर्स्ट टाइम हुआ है व्यापार मेला। अब नेक्स्ट है हमारा देखते हैं स्टार्ट इंडिया हैकाथन 2019, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा हुआ, इसमें उद्घाटन, तो याद रखिएगा मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है हमारे, याद रखिएगा तो रमेश पोखरियाल याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि स्टार्ट इंडिया हैकाथन 2019 जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, इसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ, तो रमेश पोखरियाल के द्वारा हुआ, जो कि हमारे भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अब इसमें और थोड़ा डिटेल बता दूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ग्रैंड फिनाले में, इसमें ग्रैंड फिनाले होता है, तो इसके ग्रैंड फिनाले में 178 विश्वविद्यालय जो होते हैं, कॉलेज विश्वविद्यालय के 250 टीम 250 टीमों से लगभग 2000 कैंडिडेट प्रतिभागियों ने भाग लिए थे।
और इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो जो खाद्य प्रौद्योगिकी होते हैं, रोबोटिक्स है, ग्रामीण विकास है, अपशिष्ट प्रबंधन है, ड्रोन है, इन सारे में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसका समाधान हेतु, इसे बढ़ावा देने हेतु इसका आयोजन किया गया। चलिए हम अगला देखते हैं, IFST 2019 आठवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका आयोजन फरीदाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? फरीदाबाद में। याद रखिएगा इसे, इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो तकनीकी शिक्षा जो होती है, तकनीकी शिक्षा टेक्नोलॉजी, तो तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा हेतु, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होता है उसे बढ़ावा देने हेतु। इससे पहले इसकी जो शुरुआत थी वो 2011 में हुई थी, इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी और इसके बाद 7 बार ये हो चुका है और ये 8वें नंबर का है। और इसका मेन उद्देश्य और क्या है, तो इसमें नए नए आचार विचार जो साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं उन्हें प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड एशियन लीडर समिट 2019, जिसका आयोजन थिम्पू भूटान में हुआ है। इसमें है क्या थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन द्वारा किया गया। इसका जो उद्घाटन है और इसका जो मेन आयोजन है वो किसके द्वारा हुआ, तो ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन द्वारा किया गया है। याद रखिएगा ग्लोबल लीडर्स, और इसमें एक व्यक्ति थे जो काफ़ी चर्चित हैं, उन्हें इसमें अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उसे भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, लेखक व शिक्षा विद्वान रोग जो विशेषज्ञ हैं, इनोवेटिव रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, लेखक शिक्षक विद्यालय रोग इनोवेटिव रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2019। अब ये भोजन से संबंधित है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2019, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या है, लोगों पे जो फूड से रिलेटेड जो बीमारी वगैरह उत्पन्न होती है और फूड को किस तरीके से बेहतर किया जाए, ये सब चीज़ों पर इसमें आयोजन हो रहा है। अब इसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें लास्ट नंबर का पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजमुखी बीज एवं तेल सम्मेलन, जिसका आयोजन मुंबई, जो भारत का काफ़ी चर्चित स्थल है, महानगर है, इसमें किया गया। इसमें जो अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे, वो कौन थे, तो पीयूष गोयल। याद रखिएगा, चीफ गेस्ट कौन थे, तो पीयूष गोयल, जो कि हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें विश्व में देखिए, सूरजमुखी जो है, सूरजमुखी आप सभी जानते हैं, सनफ्लावर, इसे बीज, इसके बीज से तेल उत्पादन, यही मेन इसका सम्मेलन था, इसमें कि हम सूरजमुखी से के बीज से किस तरीके से तेल को और बढ़ावा कर सकते हैं और उसका उत्पादन हमारे भारत में भी किया जा सके, इसके लिए आयोजन किया गया। तो इसमें हमारे जो विश्व में यूक्रेन देश है, रूस है, अर्जेंटीना है, ये सब उत्पादक देश हैं इसके सूरजमुखी तेल के, और ये तीनों जो देश हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रख पूछे जाता है, यूक्रेन, रूस और अर्जेंटीना, और हमारा जो भारत है वो 4वें नंबर पे है। भारत कौन से नंबर पे है, तो भारत 4वें नंबर पे है, तो ये भी आगे बढ़ना चाहता है, तो इसके लिए आयोजन किया गया कि हम किस तरीके से सूरजमुखी बीज का उत्पादन करें और उसे तेल का उत्पादन कैसे किया जा सके। इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क है, जिसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो सातवां मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सातवां मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और नेक्स्ट करेंट अफेयर आपके फिर से आएगी, तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पसंद